हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो आज है लास्ट, आज है 11 तारीख और आज के दिन स्कॉलरशिप जो है बहुत सारा वेरीफाई होगा। 12 तारीख दैट मींस कि कल भर जो है स्कॉलरशिप वेरीफाई होगा या फिर स्टेटस चेंज होगा। तो आप लोगों के पास बस 2 दिन का टाइम बचा है, 11 और 12। जिनका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है उनको बस वेट करना है कि आपका जो है वेरीफाई हो या जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं वो दूर हो। यार सॉरी, जो यूपी स्कॉलरशिप में आ रहा है इससे रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप लोग हमें मैसेज करके बोल रहे हो कि मैम हमारा अभी तक सही नहीं हुआ है। देखो कल जो है इसी को लेकर के स्टूडेंट्स काफी जो है प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने अपने लेवल से, और सैटरडे को वो लोग जो है DW ऑफिस गए थे, वहां पर पता किया, उनके कॉलेज में जो है पता किया। कॉलेज वाले जो है आगे समाज कल्याण विभाग में बात कर रहे हैं। ये सभी चीजों से उन्होंने जो है इंफॉर्मेशन गैदर की है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, उसमें ये पता चला है कि वी आर सॉरी वाला जो है वो 11 मार्च से, यानी कि आज से, आज शाम से जो है ठीक होने लगेगा पूरी तरीके से। ये ठीक 12 मार्च तक होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है 11 मार्च से हो जाएगा। जिन भी बच्चों का वी आर सॉरी हो रहा है, जिस तरह से उन लोगों ने बात की है और वो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, तो ये चीज आप लोगों का आ रहा है। जैसे हमें मैसेजेस इस तरह के आ रहे हैं कि हमने चेक किया और वी आर सॉरी आ रहा है। तो देखो ये साइट का ही प्रॉब्लम है, और जैसे ये मैंने बताया था आपको कि ये लास्ट ईयर भी हुआ था और लास्ट ईयर भी ये 1 वीक तक रह गया था, 1 वीक तक जो है ऐसा ही चला था। तो ये चीजें जो है थोड़ा टाइम तक ले लेती हैं, लेकिन स्टेटस क्योंकि 12 मार्च तक अपडेट होना है तो जाहिर सी बात है कि आपको 11 से 12 मार्च तक ये ठीक होगा और आपका स्टेटस जो है दिखाई देने लगेगा। तो ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप फिर भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जो हमने आपको 700 वाला दिया है नंबर, आपको याद हो तो आप अपने वेबसाइट पर, यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हो। वहां से आप लोगों को जो 700 वाला नंबर है, वहां जनरल कैटेगरी एंड SC ST कैटेगरी के लिए जो भी बच्चे हैं इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्म किया जा रहा है। हमने बात किया है ये वाला नंबर 5223538700, इस पर आप लोग बात कर सकते हैं। इस पर जो है अच्छी तरीके से बता दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका नाम पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग माइनॉरिटी या और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप लोग जनरल या SC ST बोल देना, ताकि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। यहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से जवाब दिया जा रहा है, मैंने अभी बात की है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 3538700, इस नंबर पे सिर्फ जनरल कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के बच्चों को जो है देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग भी जो OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, वो बता देना कि ये कैटेगरी है, और वहां से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जरूर ले लेना। इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया जा रहा है। बाकी भी नंबर हैं, जैसे बैकवर्ड क्लासेस की ये 131 थे ये है, लेकिन इस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये जल्दी लग नहीं रहा है। ये 1229 वाला ये नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर आंसर आपको मिल जा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से आप आंसर ले सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने जो है बच्चों की जो रिजल्ट वाला प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ था कि जो करेक्शन डेट निकल गया उसके बाद उन लोगों का जो है रिजल्ट आया था, तो उसको ठीक कर लिया गया है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी मैं आपको। एंड साथ ही साथ दूसरा इंफॉर्मेशन रहेगा, NBA की वजह से बच्चों का जो है वो रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म, और कल रिजेक्ट हुआ है एक बच्चे का। एक बच्चे ने हमसे कांटेक्ट किया, ऐसे कितनों का ही हुआ होगा। और ऐसे दूसरा जो है बहुत भारी मात्रा में जो है फॉर्म वेरीफाई और रिजेक्ट अब होना स्टार्ट हो चुका है। तो बस आप लोग वेट कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपका भाई जो है वेरीफाई हो, और जितने भी एफर्ट डालने थे वो चीजें आप लोगों का अब खत्म हो चुका है। 10 मार्च तक का टाइम था बाकी सारी चीजों के लिए, अब जस्ट आपको वेट करना है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए आप तक इमिडिएटली पहुंच जाए। सबसे पहले तो ये एक गुड न्यूज ही है, जो बच्चों का रिजल्ट को लेकर के प्रॉब्लम था, क्योंकि ऐसे कॉल हमें, मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवासीय इकाई के संस्थानों और विभागों में
अध्ययनरत करीब 800 विद्यार्थियों के संदिग्ध डाटा में संशोधन करके जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया है। ठीक है, अभी अंकों में भिन्नता वाले प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है। ये जो मार्क्स मिसमैच था उसमें कोई ज्यादा खास नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट वाला जितना भी प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षा परिणाम छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए जाने के बाद जारी किया गया था, और इसमें तमाम विद्यार्थियों के अंकों में भिन्नता समाज कल्याण और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण की ओर से दर्शाया गया। तो जो यहाँ की प्रोफेसर कुलपति है, उन आशु रानी ने उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी से फोन पर बात की। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश की ओर से मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भी लिखा गया था। परीक्षा नियंत्रक ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए छात्र हित में संदिग्ध डाटा को संशोधित करने के लिए विद्यार्थियों को एक और अवसर दिए जाने का आग्रह किया था। देखो, इस तरह से यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को साथ में आना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों को जो पैसा मिलेगा वो तो आप ही का फीस भरेंगे ना, नहीं मिलेगा तो आप उनको जो है प्रेशराइज करोगे कि फीस दो, कहाँ से देंगे इतना फीस बच्चे। तो इसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी को आगे बढ़कर के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति के समन्वयक प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने अंकों में भिन्नता वाले प्रकरणों को अभी रोक रखा है, विद्यार्थियों को डाटा में संशोधन का मौका मिल सकता है। बार बार ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बच्चों को फिर से जो है उनके डेटा में करेक्शन करने को मिलेगा, तो इस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। कोई भी अभी अपडेट ऑफिशियल, ये बोला जा रहा है कि जब तक ऑफिशियल साइट पर नहीं आएगा कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसको मानेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है, इस पर अंदरूनी तौर पर कॉलेजेस के बीच में बात चल रही है, क्योंकि एक कॉलेज है डीडीयू के जो अंतर्गत आती है कुशीनगर में, वहां के बच्चे भी कर रहे हैं कि पूरी तरीके से उस कॉलेज के जो है स्कॉलरशिप का डेटा नहीं भेजा गया, तो पूरा का पूरा बच्चा का जो है वहां पर स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो जस्ट फिंगर क्रॉस करके रखो कि मे भी कोई चमत्कार हो और आप लोगों को करेक्शन डेट देखने को मिल जाए। लेकिन अभी आप मुझे फोन करके पूछोगे कि मैम करेक्शन डेट बढ़ने वाला है, तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। बस अंदरूनी तौर पर ये खबरें चल रही हैं, और इसमें मुहर तभी लगेगा जब ये ऑफिशियल साइट पर आएगी। ठीक है, चलिए और बात करते हैं कि बच्चों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। एक जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसमें तो मुझे बच्चे की कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन फॉर्म जो है उनका रिजेक्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूं, ये है वो फॉर्म, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, आप लोग देख सकते हो। रिजेक्शन का जो रीजन लिखा गया है वो रीजन है रिजेक्ट ड्यू टू एनबीए। सबसे पहले तो एनबीए है क्या? एनबीए मैं बता दूं कि जो लोग भी टेक्निकल कोर्स करवाते हैं उनको करिकुलम के लिए, उनको अपने पाठ्यक्रम के लिए एनबीए से जो है ग्रेडिंग लेनी होती है, और अगर वो कॉलेज या वो इंस्टीट्यूशन नहीं लिए हुए रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बच्चे का रिजेक्ट हुआ है ड्यू टू एनबीए लिखा गया है, और एनबीए में जो है यही रीजन जो है होता है जिसकी वजह से इस बच्चे का रिजेक्ट हुआ है। अब ये बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं आपको एक रास्ता भी बताऊंगी। देखो ये यहाँ पर है, आप ऑनलाइन जाकर नेट पर भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ऐसे निजी संस्थानों को इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए एनबीए यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन की ग्रेडिंग लेनी होगी, क्योंकि अगर ये नया नियम बना है कि 2020 और 21 से उन्हीं एनबीए की ग्रेडिंग वाले ही निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को जो है छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये एक नया रूल बना हुआ है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपका जो है ये रिजेक्ट हुआ है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें तो गलती आपकी भी नहीं है, इसमें तो कॉलेज की गलती है। तो भाई कॉलेज के पास जाइए और जाकर के बोलिए कि मेरा ये रिजेक्ट हुआ है, कॉलेज वाले एक्शन ले, और एक एप्लीकेशन लिख करके ले जाना है, स्टेटस लिख लेकर के जाना है और पूछना है। क्योंकि देखो रिजेक्शन का मैं आपको रीजन बता रही हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि इंजीनियरिंग और या टेक्निकल कोई भी कोर्स करवाते हैं तो उनको एनबीए से ग्रेडिंग लेनी होती है। अगर एनबीए से ग्रेडिंग नहीं होती है तो उनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और इन सभी चीजों का जो है फायदा उस कॉलेज के बच्चों को नहीं मिल पाता है।
दूसरा चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये नियम जो है 2020-21 से बना हुआ है और ये नियम लागू हो रहा है, तो प्लीज इस नियम के तहत आपका रिजेक्ट हुआ है कॉलेज में जाकर के बात कीजिए, यही रास्ता है आपके पास। चलिए दूसरा देख लेती हूँ आप लोगों का रिजेक्शन, वही मैं देख रही हूँ कि अलग अलग रीजन की वजह से रिजेक्शन जा रहा है। इन लोगों का पेंडिंग था, पेंडिंग वाले का रिजेक्शन हो रहा है, सोचो। ये आप लोगों का वेरीफाई हुआ है 10 तारीख को। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे मैम 10 तारीख तो संडे है, संडे को भी क्या वेरीफाई होगा? बिल्कुल होगा। मैंने आप लोगों को कॉल किया था, आप लोगों ने, तो मैंने बोला था कि हाँ वो काम अंडर प्रोसेस है, तो डेफिनेटली होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो इन बच्चे का जो है वेरीफाई हो चुका है स्कॉलरशिप कमिटी से, और 10 मार्च को ही हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अभी वेरिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है, मार्क्स मिसमैच वालों का वेरीफाई हो रहा है, बहुत सारे मार्क्स मिसमैच थे बच्चे का, उसका वेरीफाई हुआ। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वालों का वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट में दो भाई अगर है तो जरूरी नहीं है कि दोनों भाई का एक ही दिन जो है वेरीफाई हो। एक का आज हो गया है तो दूसरे का कल हो जाएगा, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि दोनों का एक ही दिन होगा, होगा सभी का। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला नहीं रुकने वाला है, वो वेरीफाई हो जाएगा। और ये वाला तो आप लोग देख ही रहे हो, जो मार्क्स मिसमैच वाला था वो भी वेरीफाई हो रहा है। और साथ में जो आप लोगों का रह गया, बात करते हैं ये एनबीए रिजेक्टेड और इस तरह का रीजन है, तो ये कॉलेज की प्रॉब्लम है, कॉलेज को जो है इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है यूपी स्कॉलरशिप निकल कर आ रही है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और हो सकता है एकदम, मतलब अभी के टाइम में जस्ट 1% का चांस है कि हो सकता है आपको करेक्शन डेट एक बार मिल सकता है, क्योंकि जिन कॉलेजेस के बच्चों का जो है फॉर्म नहीं आगे फॉरवर्ड हुआ है वो लोग इस काम में लगे हुए हैं। कंफर्मेशन जब होगी तो डेफिनेटली हम आपको बता देंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।